दोस्तों, अगर आप नागार्जुना की सुपरहिट मूवी वाइल्ड डॉग को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है वाइल्ड डॉग। ये फिल्म कौन सी है और जी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस फिल्म के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही हम इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, फिल्मिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इस फिल्म की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और इस फिल्म की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा इस फिल्म के फैक्ट्स, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से करेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशीषोर सोलोमन ने की है। मिटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्जा, सियामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं। इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं, जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गईं। दो हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकती एजेंसी के हवाला कर दिया और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त DGP हिमेंथ ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के जरिए विजय और उसकी टीम को CCTV फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की CCTV फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंथ विजय को 2 हफ्ते पुराने वाक़े के बारे में बताते हैं जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत शामिल थी, जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था। जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है, एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्जा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं और उस पर तशद्दुद करने का इंतज़ाम करते हैं। खालिद, जिसने बेकरी में बम धमाका किया था, और उसका साथी खतील, जिसे दगड़ू शेठ मंदिर को उड़ाना था लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजाम की वजह से ऐसा नहीं हो सका, किसी VIP के दौरे पर विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रजाक को खुफिया जेल में भेजता है, जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर बुवाए ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के जरिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। ताहम खतील को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है। मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है, क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस मिशन को मुंबई ATS ने नाकाम बना दिया था, जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया। तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहाँ छुपा हुआ है। वो हिमेंथ से मदद मांगता है लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है।
मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुंच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे, हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फरार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है। खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुंचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके दो साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का बेस बदलकर VIP के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं। विजय का डेफरबलेशन तजिए जिसमें खालिद काम करता है और अपनी जान को खतरे में देखकर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है। ये मजीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है, जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हेमंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशीषोर सोलोमन ने डायरेक्ट किया था, जबकि आशीषोर सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो S. निरंजन रेड्डी और K. अनवेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील डोर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है, जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा S. थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है, और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशीषोर सोलोमन ने की है। मेटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं। इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं, जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गई। दो हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकाती एजेंसी के हवाला कर दिया, और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त DGP हिमेंत ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के जरिए विजय और उसकी टीम को CCTV फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की CCTV फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंत विजय को 2 हफ्ते पुराने वाक़े के बारे में बताते हैं, जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर 2 पुलिस अहलकारों की हलाकत शामिल थी, जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था, जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है। एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजिम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्जा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजिम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं और उस पर तशद्दुद करने का इंतज़ाम करते हैं। खालिद, जिसने बेकरी में बम धमाका किया था, और उसका साथी खतील, जिसे
दगड़ूशेठ मंदिर को उड़ाना था, लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजाम की वजह से ऐसा नहीं हो सका। किसी VIP के दौरे पर विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रजा को खुफिया जेल में भेजता है, जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर हुबवाय ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के जरिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। ताहम खातिल को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है। मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है, क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस मिशन को मुंबई ATS ने नाकाम बना दिया था, जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया। तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहाँ छुपा हुआ है। वो हिमेंत से मदद मांगता है, लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है। मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुँच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे, हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ़ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फ़रार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है। खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुंचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके दो साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का पेस बदलकर VIP के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं। विजय का डेफरबलेशन तजिए जिसमें खालिद काम करता है और अपनी जान को ख़तरे में देखकर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है। ये मजीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है, जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हेमंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशीषोर सोलोमन ने डायरेक्ट किया था, जबकि आशीषोर सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो S. निरंजन रेड्डी और K. अन्वेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील डोर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है, जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा S. थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशीषोर सोलोमन ने की है। मिटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं।
इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं, जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गईं। 2 हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकती एजेंसी के हवाला कर दिया और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त डीजीपी हिमेंत ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के जरिए विजय और उसकी टीम को सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की सीसीटीवी फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंत विजय को 2 हफ्ते पुराने वाक़े के बारे में बताते हैं, जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत शामिल थी, जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था। जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है, एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्जा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं और उस पर तशद्दुद करने का इंतजाम करते हैं। खालिद, जिसने बेकरी में बम धमाका किया था, और उसका साथी खतील, जिसे दगड़ू शेठ मंदिर को उड़ाना था, लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजामात की वजह से ऐसा नहीं हो सका, किसी VIP के दौरे पर विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रजाक को खुफिया जेल में भेजता है, जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर बवाये ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के जरिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। ताहम खतील को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है। मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है, क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस मिशन को मुंबई ATS ने नाकाम बना दिया था, जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया। तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहाँ छुपा हुआ है। वो हिमेंत से मदद मांगता है, लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है। मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुँच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे, हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फरार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है। खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुंचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके 2 साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का बेस बदलकर VIP के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं। विजय का डेफरबलेशन तजिए, जिसमें खालिद काम करता है और अपनी जान को खतरे में देख कर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है। ये मजीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है।
जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हिमेंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशीष सोलोमन ने डायरेक्ट किया था, जबकि आशीष सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस निरंजन रेड्डी और के अनवेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील डोर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है, जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा एस थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशीष सोलोमन ने की है। मिटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं। इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं, जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गई। 2 हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकाती एजेंसी के हवाला कर दिया और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त DGP हिमेंत ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के जरिए विजय और उसकी टीम को CCTV फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की CCTV फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंत विजय को 2 हफ्ते पुराने वाक़े के बारे में बताते हैं, जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर 2 पुलिस अहलकारों की हलाकत शामिल थी, जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था, जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है। एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्जा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं और उस पर तशद्दुद करने का इंतज़ाम करते हैं। खालिद, जिसने बेकरी में बम धमाका किया था, और उसका साथी खतील, जिसे दगड़ू शेठ मंदिर को उड़ाना था लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजाम की वजह से ऐसा नहीं हो सका, किसी VIP के दौरे पर विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रजा को खुफिया जेल में भेजता है, जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर बवायर ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के जरिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। ताहम खतील को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है। मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है, क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस मिशन को मुंबई ATS ने नाकाम बना दिया था, जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया। तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहाँ छुपा हुआ है।
वो हिमेंत से मदद मांगता है लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है। मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुंच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे, हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फरार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है। खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुँचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके दो साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का पेस बदलकर VIP के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं। विजय का डेफरबलेशन तजिए जिसमें खालिद काम करता है और अपनी जान को ख़तरे में देखकर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है। ये मजीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है, जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हेमंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशिशोर सोलोमन ने डायरेक्ट किया था, जबकि आशिशोर सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो S. निरंजन रेड्डी और K. अन्वेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्ज़ा, सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील डोर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है, जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा S. थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। ये फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म की अगर IMDB रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDB पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशिशोर सोलोमन ने की है। मिटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्ज़ा, सयामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं। इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं, जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गई। 2 हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकाती एजेंसी के हवाला कर दिया और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त DGP हिमेंत ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के जरिए विजय और उसकी टीम को CCTV फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की CCTV फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंत विजय को 2 हफ्ते पुराने वाक़े के बारे में बताते हैं, जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर 2 पुलिस अहलकारों की हलाकत शामिल थी, जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था, जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है। एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्ज़ा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं
और उस पर तशद्दुद करने का इंतजाम करते हैं। खालिद जिसने बेकरी में बम धमाका किया था और उसका साथी खतील जिसे दगड़ू शेठ मंदिर को उड़ाना था, लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजाम की वजह से ऐसा नहीं हो सका। किसी VIP के दौरे पर विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रजाक को खुफिया जेल में भेजता है, जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर बवाए ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के जरिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। ताहम खतील को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है। मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है, क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस मिशन को मुंबई ATS ने नाकाम बना दिया था, जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया। तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहाँ छुपा हुआ है। वो हिमंत से मदद मांगता है, लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है। मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुँच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे, हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फरार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है। खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुंचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके दो साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का पेस बदलकर VIP के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं। विजय का डेफरबलेशन तजिए जिसमें खालिद काम करता है और अपनी जान को खतरे में देखकर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है। ये मजीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है, जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हेमंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशीषोर सोलोमन ने डायरेक्ट किया था, जबकि आशीषोर सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो S. निरंजन रेड्डी और K. अनवेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील डोर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है, जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा S. थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशीषोर सोलोमन ने की है।
मिटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा। इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्जा, सियामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं। इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं, जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गई। 2 हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकती एजेंसी के हवाला कर दिया और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त डीजीपी हिमेंथ ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के जरिए विजय और उसकी टीम को सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की सीसीटीवी फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंथ विजय को 2 हफ्ते पुराने वाक़े के बारे में बताते हैं, जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर 2 पुलिस अहलकारों की हलाकत शामिल थी, जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था। जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है, एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्जा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं और उस पर तशद्दुद करने का इंतज़ाम करते हैं। खालिद, जिसने बेकरी में बम धमाका किया था, और उसका साथी खतील, जिसे दगड़ू शेठ मंदिर को उड़ाना था, लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजाम की वजह से ऐसा नहीं हो सका, किसी VIP के दौरे पर विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रजा को खुफिया जेल में भेजता है, जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर बवाय ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के जरिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। ताहम खतील को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है। मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है, क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस मिशन को मुंबई ATS ने नाकाम बना दिया था, जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस अहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया। तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहां छुपा हुआ है। वो हिमेंथ से मदद मांगता है, लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है। मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुंच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे, हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फरार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है। खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुंचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके 2 साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का बेस बदल कर VIP के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं। विजय का डेफरबलेशन तजिए, जिसमें खालिद काम करता है और अपनी जान को खतरे में देख कर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है।
ये मजीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हेमंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशीषोर सोलोमन ने डायरेक्ट किया था जबकि आशीषोर सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस निरंजन रेड्डी और के अनवेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील डोर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा एस थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। ये फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई थी जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशीषोर सोलोमन ने की है। मिटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं। इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गईं। 2 हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकती एजेंसी के हवाला कर दिया और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त DGP हिमेंथ ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के जरिए विजय और उसकी टीम को CCTV फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की CCTV फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंथ विजय को 2 हफ्ते पुराने वाक़े के बारे में बताते हैं जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत शामिल थी जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था। जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है, एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्जा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं और उस पर तशद्दुद करने का इंतज़ाम करते हैं। खालिद, जिसने बेकरी में बम धमाका किया था, और उसका साथी खतील, जिसे दगड़ू शेठ मंदिर को उड़ाना था लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजाम की वजह से ऐसा नहीं हो सका, किसी VIP के दौरे पर विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रजाक को खुफिया जेल में भेजता है जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर बवायर ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के जरिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। ताहम खतील को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है। मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस मिशन को मुंबई ATS ने नाकाम बना दिया था जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया।
तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहाँ छुपा हुआ है। वो हिमंत से मदद मांगता है लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है। मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुंच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे, हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फरार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है। खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुंचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके दो साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का बेस बदलकर VIP के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं। विजय का डेफरबलेशन तजिए जिसमें खालिद काम करता है और अपनी जान को खतरे में देखकर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है। ये मजीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है, जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हेमंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशीषोर सोलोमन ने डायरेक्ट किया था, जबकि आशीषोर सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो S. निरंजन रेड्डी और K. अनवेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील डोर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है, जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा S. थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है, और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशीषोर सोलोमन ने की है। मेटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं। इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं, जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गई। दो हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकाती एजेंसी के हवाला कर दिया और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त DGP हिमेंत ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के जरिए विजय और उसकी टीम को CCTV फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की CCTV फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंत विजय को 2 हफ्ते पुराने वाक़े के बारे में बताते हैं, जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर 2 पुलिस अहलकारों की हलाकत शामिल थी, जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था, जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है।
एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्जा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं और उस पर तशद्दुद करने का इंतजाम करते हैं। खालिद, जिसने बेकरी में बम धमाका किया था, और उसका साथी खतील, जिसे दगड़ू शेठ मंदिर को उड़ाना था, लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजामात की वजह से ऐसा नहीं हो सका। किसी वीआईपी के दौरे पर विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रजा को खुफिया जेल में भेजता है, जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर बवाय ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के जरिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। ताहम खतील को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है। मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है, क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस मिशन को मुंबई एटीएस ने नाकाम बना दिया था, जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया। तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहाँ छुपा हुआ है। वो हिमंत से मदद मांगता है, लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है। मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुँच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे, हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फरार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है। खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुंचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके दो साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का बेस बदल कर VIP के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं। विजय का डेफरबलेशन तजिए, जिसमें खालिद काम करता है, और अपनी जान को खतरे में देख कर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है। ये मजीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है, जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हेमंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशीषोर सोलोमन ने डायरेक्ट किया था, जबकि आशीषोर सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो S. निरंजन रेड्डी और K. अन्वेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील ड्योर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है, जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा S. थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। ये फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है, और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। इस फिल्म की अगर IMDB रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDB पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है,
जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशीषोर सोलोमन ने की है। मिटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्जा, सियामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं। इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं, जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गईं। 2 हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकती एजेंसी के हवाला कर दिया और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त DGP हिमेंथ ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के जरिए विजय और उसकी टीम को CCTV फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की CCTV फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंथ विजय को 2 हफ्ते पुराने वाक़े के बारे में बताते हैं, जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत शामिल थी, जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था। जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है, एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्जा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं और उस पर तशद्दुद करने का इंतजाम करते हैं। खालिद, जिसने बेकरी में बम धमाका किया था, और उसका साथी खतील, जिसे दगड़ूशेठ मंदिर को उड़ाना था, लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजाम की वजह से ऐसा नहीं हो सका, किसी VIP के दौरे पर विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रजाक को खुफिया जेल में भेजता है, जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर बवाये ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के जरिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। ताहम खतील को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है। मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है, क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस मिशन को मुंबई ATS ने नाकाम बना दिया था, जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया। तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहां छुपा हुआ है। वो हिमेंत से मदद मांगता है, लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है। मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुंच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे, हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फरार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है। खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुंचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके 2 साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का भेस बदलकर VIP के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं।
विजय का डेफरबेलेशन तजिए जिसमें खालिद काम करता है और अपनी जान को खतरे में देखकर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है। ये मजीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हेमंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशीषोर सोलोमन ने डायरेक्ट किया था जबकि आशीषोर सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस निरंजन रेड्डी और के अनवेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील डोर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा एस थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। ये फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई थी जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशीषोर सोलोमन ने की है। मेटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं। इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गई। दो हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकाती एजेंसी के हवाला कर दिया और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त DGP हिमेंत ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के ज़रिए विजय और उसकी टीम को CCTV फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की CCTV फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंत विजय को 2 हफ्ते पुराने वाक़े के बारे में बताते हैं जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत शामिल थी जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था। जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है, एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्जा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं और उस पर तशद्दुद करने का इंतज़ाम करते हैं। खालिद, जिसने बेकरी में बम धमाका किया था, और उसका साथी खतील, जिसे दगड़ू शेठ मंदिर को उड़ाना था लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजाम की वजह से ऐसा नहीं हो सका, किसी VIP के दौरे पर विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रजा को खुफिया जेल में भेजता है जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर बवाय ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के जरिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। ताहम खतील को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है। मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है,
लेकिन इस मिशन को मुंबई ATS ने नाकाम बना दिया था, जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस अहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया। तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहाँ छुपा हुआ है। वो हिमंत से मदद मांगता है लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है। मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुंच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे, हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फरार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है। खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुँचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके दो साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का बेस बदलकर VIP के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं। विजय का डेफरबलेशन तजिए जिसमें खालिद काम करता है और अपनी जान को खतरे में देखकर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है। ये मजीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है, जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हेमंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशीषोर सोलोमन ने डायरेक्ट किया था, जबकि आशीषोर सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो S. निरंजन रेड्डी और K. अन्वेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्ज़ा, सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील डोर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है, जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा S. थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। ये फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। इस फिल्म की अगर IMDB रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDB पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशीषोर सोलोमन ने की है। मिटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्ज़ा, सयामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं। इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं, जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गई। 2 हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकती एजेंसी के हवाला कर दिया और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त DGP हिमेंथ ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के जरिए विजय और उसकी टीम को CCTV फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की CCTV फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंथ विजय को 2 हफ्ते पुराने वाकये के बारे में बताते हैं, जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर 2 पुलिस अहलकारों की हलाकत शामिल थी।
जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था, जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है। एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्जा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं और उस पर तशद्दुद करने का इंतज़ाम करते हैं। खालिद, जिसने बेकरी में बम धमाका किया था, और उसका साथी खतील, जिसे दगड़ू शेठ मंदिर को उड़ाना था लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजाम की वजह से ऐसा नहीं हो सका, किसी VIP के दौरे पर। विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रजाक को खुफिया जेल में भेजता है, जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर बुवाए ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के जरिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। ताहम खतील को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है। मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है, क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस मिशन को मुंबई ATS ने नाकाम बना दिया था, जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया। तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहां छुपा हुआ है। वो हिमंत से मदद मांगता है लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है। मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुँच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे, हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फरार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है। खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुंचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके दो साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का बेस बदलकर VIP के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं। विजय का डेफरबलेशन तजिए, जिसमें खालिद काम करता है, और अपनी जान को खतरे में देखकर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है। ये मजीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है, जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हेमंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशीषोर सोलोमन ने डायरेक्ट किया था, जबकि आशीषोर सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो S. निरंजन रेड्डी और K. अनवेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील डोर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है, जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा S. थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर थले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है, और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था।
वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशीषोर सोलोमन ने की है। मेटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्जा, सियामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं। इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं, जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गई। 2 हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकाती एजेंसी के हवाला कर दिया और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त DGP हिमेंत ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के जरिए विजय और उसकी टीम को CCTV फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की CCTV फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंत विजय को 2 हफ्ते पुराने वाक़े के बारे में बताते हैं, जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत शामिल थी, जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था। जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है, एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजिम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्जा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजिम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं और उस पर तशद्दुद करने का इंतज़ाम करते हैं। खालिद, जिसने बेकरी में बम धमाका किया था, और उसका साथी खतील, जिसे दगड़ू शेठ मंदिर को उड़ाना था लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजाम की वजह से ऐसा नहीं हो सका, किसी VIP के दौरे पर। विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रजा को खुफिया जेल में भेजता है, जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर बवाय ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के जरिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। ताहम खतील को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है। मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है, क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस मिशन को मुंबई ATS ने नाकाम बना दिया था, जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया। तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहाँ छुपा हुआ है। वो हिमेंत से मदद मांगता है लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है। मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुँच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे, हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फरार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है।
खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुंचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके दो साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का बेस बदलकर वीआईपी के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं। विजय का डेफरबेलेशन तजिए जिसमें खालिद काम करता है और अपनी जान को खतरे में देखकर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है। ये मजीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हेमंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशिशोर सोलोमन ने डायरेक्ट किया था, जबकि आशिशोर सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस निरंजन रेड्डी और के अनवेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील डोर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है, जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा एस थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। ये फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। इस फिल्म की अगर आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को आईएमडीबी पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशिशोर सोलोमन ने की है। मिटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं। इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं, जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गईं। 2 हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकती एजेंसी के हवाला कर दिया और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त डीजीपी हिमेंत ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के जरिए विजय और उसकी टीम को सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की सीसीटीवी फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंत विजय को 2 हफ्ते पुराने वाक़े के बारे में बताते हैं, जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर 2 पुलिस अहलकारों की हलाकत शामिल थी, जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था, जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है। एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्जा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं और उस पर तशद्दुद करने का इंतज़ाम करते हैं। खालिद, जिसने बेकरी में बम धमाका किया था, और उसका साथी खतील, जिसे दगड़ू शेठ मंदिर को उड़ाना था, लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजाम की वजह से ऐसा नहीं हो सका, किसी VIP के दौरे पर विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रजाक को खुफिया जेल में भेजता है, जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर बवाए ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के जरिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। ताहम खतील को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है।
मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के जरिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है, क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस मिशन को मुंबई ATS ने नाकाम बना दिया था, जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया। तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहाँ छुपा हुआ है। वो हिमंत से मदद मांगता है, लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है। मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुंच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे, हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फरार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है। खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुंचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके दो साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का बेस बदलकर VIP के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं। विजय का डेफरबलेशन तजिए जिसमें खालिद काम करता है और अपनी जान को खतरे में देख कर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है। ये मजीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है, जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हेमंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशीषोर सोलोमन ने डायरेक्ट किया था, जबकि आशीषोर सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो S. निरंजन रेड्डी और K. अनवेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील डोर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है, जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा S. थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। वाइल्ड डॉग फिल्म के अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर थे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है, और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। इस फिल्म के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशीषोर सोलोमन ने की है। मेटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं। इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं, जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गई। दो हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकाती एजेंसी के हवाला कर दिया और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त DGP हिमेंत ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के जरिए विजय और उसकी टीम को CCTV फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की CCTV फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंत विजय को 2 हफ्ते पुराने वाक़े के बारे में बताते हैं,
जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर दो पुलिस अहलकारों की हलाकत शामिल थी, जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था। जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है, एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजिम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्जा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजिम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं और उस पर तशद्दुद करने का इंतज़ाम करते हैं। खालिद, जिसने बेकरी में बम धमाका किया था, और उसका साथी खतील, जिसे दगड़ू शेठ मंदिर को उड़ाना था लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजाम की वजह से ऐसा नहीं हो सका, किसी VIP के दौरे पर। विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रजा को खुफिया जेल में भेजता है, जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर हुबवाय ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के जरिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। ताहम खतील को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है। मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है, क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस मिशन को मुंबई ATS ने नाकाम बना दिया था, जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस अहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया। तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहाँ छुपा हुआ है। वो हिमंत से मदद मांगता है लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है। मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुँच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे, हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फरार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है। खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुंचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके दो साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का बेस बदल कर VIP के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं। विजय का डेफरबलेशन तजिए, जिसमें खालिद काम करता है, और अपनी जान को ख़तरे में देखकर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है। ये मजीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था, और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है, जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हेमंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशीषोर सोलोमन ने डायरेक्ट किया था, जबकि आशीषोर सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो S. निरंजन रेड्डी और K. अन्वेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील डोयर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है, जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा S. थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था।
वाइल्ड डॉग फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशीष और सोलोमन ने की है। मिटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्जा, सियामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं। इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं, जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गई। 2 हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकती एजेंसी के हवाला कर दिया और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त DGP हिमेंथ ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के जरिए विजय और उसकी टीम को CCTV फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की CCTV फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंथ विजय को 2 हफ्ते पुराने वाक़े के बारे में बताते हैं, जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत शामिल थी, जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था, जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है। एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजिम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्जा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजिम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं और उस पर तशद्दुद करने का इंतजाम करते हैं। खालिद, जिसने बेकरी में बम धमाका किया था, और उसका साथी खतील, जिसे दगड़ू शेठ मंदिर को उड़ाना था, लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजामात की वजह से ऐसा नहीं हो सका, किसी VIP के दौरे पर विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रजाक को खुफिया जेल में भेजता है, जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर बुवाए ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के जरिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। ताहम खतील को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है। मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है, क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस मिशन को मुंबई ATS ने नाकाम बना दिया था, जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया। तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहाँ छुपा हुआ है। वो हिमेंथ से मदद मांगता है, लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है। मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुँच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे, हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था।
विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फरार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है। खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुंचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके दो साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का पेस बदलकर VIP के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं। विजय का डेफरबलेशन तजिए जिसमें खालिद काम करता है और अपनी जान को ख़तरे में देखकर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है। ये मज़ीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हेमंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशीषोर सोलोमन ने डायरेक्ट किया था, जबकि आशीषोर सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एस निरंजन रेड्डी और के अनवेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्ज़ा, सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील डोर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है, जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा एस थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर थे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म की अगर IMDB रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDB पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशीषोर सोलोमन ने की है। मेटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्ज़ा, सयामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं। इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं, जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गई। दो हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकाती एजेंसी के हवाला कर दिया और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त DGP हिमेंत ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के जरिए विजय और उसकी टीम को CCTV फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की CCTV फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंत विजय को 2 हफ्ते पुराने वाक़े के बारे में बताते हैं, जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर 2 पुलिस अहलकारों की हलाकत शामिल थी, जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था, जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है। एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्ज़ा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं और उस पर तशद्दुद करने का इंतज़ाम करते हैं। खालिद, जिसने बेकरी में बम धमाका किया था, और उसका साथी खतील, जिसे दगड़ू शेठ मंदिर को उड़ाना था लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजाम की वजह से ऐसा नहीं हो सका, किसी VIP के दौरे पर विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रज़ा को खुफिया जेल में भेजता है, जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर बवाय ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के जरिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया।
दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। तहम खतील को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है। मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस मिशन को मुंबई एटीएस ने नाकाम बना दिया था जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया। तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहाँ छुपा हुआ है। वो हिमंत से मदद मांगता है लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है। मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुँच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे, हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फरार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है। खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुंचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके दो साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का बेस बदल कर VIP के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं। विजय का डेफरबलेशन तजिए जिसमें खालिद काम करता है और अपनी जान को खतरे में देख कर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है। ये मजीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हेमंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशिशोर सोलोमन ने डायरेक्ट किया था, जबकि आशिशोर सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो S. निरंजन रेड्डी और K. अन्वेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील डोर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है, जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा S. थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। इस फिल्म की अगर IMDB रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDB पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशिशोर सोलोमन ने की है। मिटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं। इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं, जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गई। 2 हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकती एजेंसी के हवाला कर दिया
और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त डीजीपी हिमेंथ ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के जरिए विजय और उसकी टीम को सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की सीसीटीवी फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंथ विजय को 2 हफ्ते पुराने वाक़े के बारे में बताते हैं, जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत शामिल थी, जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था। जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है, एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्जा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं और उस पर तशद्दुद करने का इंतज़ाम करते हैं। खालिद, जिसने बेकरी में बम धमाका किया था, और उसका साथी खतील, जिसे दगड़ू शेठ मंदिर को उड़ाना था, लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजाम की वजह से ऐसा नहीं हो सका, किसी VIP के दौरे पर। विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रजाक को खुफिया जेल में भेजता है, जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर बवाय ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के जरिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। ताहम खतील को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है। मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है, क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस मिशन को मुंबई ATS ने नाकाम बना दिया था, जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया। तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहाँ छुपा हुआ है। वो हिमेंथ से मदद मांगता है, लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है। मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुँच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे, हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फरार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है। खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुंचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके 2 साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का भेस बदलकर VIP के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं। विजय का डेफरबलेशन तजिए, जिसमें खालिद काम करता है, और अपनी जान को खतरे में देख कर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है। ये मजीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है, जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हेमंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशीषोर सोलोमन ने डायरेक्ट किया था, जबकि आशीषोर सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो S. निरंजन रेड्डी और K. अन्वेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्जा,
सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील डोर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है, जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा एस थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। यह फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म की अगर आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को आईएमडीबी पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। वाइल्ड डॉग 2021 की एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी तहरीर और हदायतकारी पहली बार आशीषोर सोलोमन ने की है। मेटेनी इंटरटेनमेंट की तरफ से तैयार करदा इस फिल्म में नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खेर और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं। इस फिल्म में भारत में होने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात शामिल हैं, जिनमें 2007 में कोगल चेट बम धमाका और यासीन भटकल की गिरफ्तारी शामिल है। वाइल्ड डॉग को मुस्बत जायजों के लिए 2 अप्रैल 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की स्टोरी में हम देखते हैं कि 13 फरवरी 2010 को पुणे की जायंस बेकरी में एक बम धमाके में कई मासूम जाने गई। 2 हफ्ते बाद वजारत दाखिला ने यह केस कौमी तहकीकाती एजेंसी के हवाला कर दिया और उसके आला अफसर विजय वर्मा, जिसे वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है, उनको उनके सीनियर दोस्त डीजीपी हिमेंत ने दोबारा फहरिस्त में शामिल कर लिया। तहकीकात के एक सिलसिले के ज़रिए विजय और उसकी टीम को सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी के बैग के साथ बेकरी में दाखिल होने और उसके बगैर बाहर निकलने की सीसीटीवी फुटेज मिलती है। मजीद जिंदा बच जाने वाले की गवाही की मदद से वो मुजरिम का खाका बना सकते हैं। दूसरी तरफ हिमेंत विजय को 2 हफ्ते पुराने वाक़े के बारे में बताते हैं, जिसमें वो आंध्रा तमिलनाडु सरहद पर एक ट्रक के अंदर 2 पुलिस अहलकारों की हलाकत शामिल थी, जिससे तीन दिन पहले उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से तकरीबन 50 के करीब इतला मिली थी। सरहद पार किलोग्राम RDX ले जाया जा रहा था। जैसे कि मुजरिम का खाका हर जगह गर्दिश कर रहा है, एक दुकान का मालिक जल्द ही मुलजम को पहचानता है और पुलिस वालों को समझाता है कि उसने मिर्जा बेग नामी शख्स की सिफारिश पर मुलजम को अपने घर में रहने दिया। विजय और उसकी टीम मुजरिम का नाम जाहिर करने के लिए बैग को पकड़ते हैं और उस पर तशद्दुद करने का इंतज़ाम करते हैं। खालिद, जिसने बेकरी में बम धमाका किया था, और उसका साथी खतील, जिसे दगड़ू शेठ मंदिर को उड़ाना था लेकिन मंदिर में सख्त हिफाजी इंतजाम की वजह से ऐसा नहीं हो सका, किसी VIP के दौरे पर विजय खालिद की तलाश का हुक्म देता है और अपने साथी अली रजा को खुफिया जेल में भेजता है, जहां खालिद के एक साथी मोहम्मद पीर बवाय ने अली को उसकी सिफारिश पर बिहार के दरभंगा में दारुल इस्लाम नामी लाइब्रेरी का दौरा करने की हिदायत की। मजीद तफ्तीश के ज़रिए विजय ने मुजरिम को खालिद भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कारकुन होने का इंकशाफ किया। दूसरी तरफ खालिद इंडियन प्रीमियर लीग को निशाना बनाता है और खातिल को नौकरी से भर्ती करता है। ताहम खतील को बिहार में विजय की टीम ने अपने बीमार बेटे की इयादत करते हुए पकड़ लिया और अपने बेटे के इलाज के बदले उन्हें इंडियन मुजाहिदीन की तफसीलात फराहम की। उसकी मदद से पुलिस ने कई मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया। असदुल्ला लाइब्रेरियन अली को मुंबई में एक ख़ास शख्स से मिलने के लिए शामिल करता है और ये जानकर विजय उसे खुद खालिद मानता है। मुंबई में खालिद अली को देखते हुए एक फ़ोन कॉल के ज़रिए हिदायत करता है। विजय उसकी हरकत पर भी नज़र रखता है और खालिद को पकड़ने वाला है, क्योंकि बाद में एक टैक्सी के अंदर अली से मिलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस मिशन को मुंबई ATS ने नाकाम बना दिया था, जो बिहार इंटेलिजेंस से मिलने वाली इतला की वजह से अली का पीछा कर रहे थे। मुश्किल होकर विजय ने एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा और उसे मिशन से मुअत्तल कर दिया। तहम वो गैर सरकारी तौर पर काम जारी रखते हुए नेपाल में एक जरिया आर्या के जरिए मालूम हुआ कि खालिद वहाँ छुपा हुआ है। वो हिमेंत से मदद मांगता है लेकिन वजारत उन्हें ठुकरा देती है। विजय आखिरकार खुफिया ऑपरेशन वाइल्ड डॉग को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ नेपाल फरार हो जाता है। मुलाकात के मकाम पर उन पर मुसल्ला अफराद ने हमला किया। इससे पहले कि आर्या पहुँच जाए और हमला आवरों से लड़ने में उनकी मदद करे,
हेमंत पर शुबा है कि वो उनके खिलाफ गुलाफ को उड़ा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिशन से वाकिफ था। नेपाल इंटेलिजेंस के एक सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने इंकशाफ किया है कि उन पर बजमान नामी डॉन के हवारियों ने हमला किया था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया था, और इंकशाफ किया था कि उन्हें ISI के जरिए काम करने वाले एक MP अब्दुल्ला ने उन्हें मारने का हुक्म दिया था। विजय ने बमजान को कत्ल करने के बारे में अब्दुल्ला से झूठ बोलने का हुक्म देने से पहले उसे फांसी दे दी। विजय और उसकी टीम अब्दुल्ला के बेटे की शादी में खालिद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत में मामूर माओनवाज़ों के साथ फायरिंग के तबादले में कामयाब हो गए। लक्ष्मण अब्दुल्ला को एम्बुलेंस में फरार होने के बारे में बताकर उनके साथ धोखा करता है, लेकिन विजय रास्ते को बेहतर बनाता है। खालिद बेदार होता है और विजय पर हमला करता है, जो एम्बुलेंस के सरहद पर पहुंचते हैं उस पर काबू पा लेता है। विजय उसके दो साथी हिंदुस्तानी सिफारतखाने के अहलकार का बेस बदलकर VIP के ऑपरेशन के लिए एम्बुलेंस के दाखिले की दरख्वास्त करते हैं। विजय का डेफरबलेशन तजिए जिसमें खालिद काम करता है और अपनी जान को खतरे में देख कर एम्बुलेंस को सरहदों से गुजारने दिया जाता है। ये मजीद इंकशाफ हुआ कि विजय ने खुफिया तौर पर हेमंत को एजेंसी में एक गद्दार के बारे में टेक्स्ट किया था और पता चला कि हेमंत का दूसरा दोस्त विनोद है, जो ऑपरेशन में मदद कर रहा था। विजय ने खालिद को हेमंत के हवाले किया और अपनी टीम के साथ तिरंगे को सलाम किया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वाइल्ड डॉग फिल्म को आशिशोर सोलोमन ने डायरेक्ट किया था, जबकि आशिशोर सोलोमन ही इस फिल्म के राइटर हैं। इसके अलावा किरण कुमार ने इस फिल्म के डायलॉग को लिखा था। इस फिल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो S. निरंजन रेड्डी और K. अन्वेश रेड्डी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की स्टार कास्ट में आपको नागार्जुना, दिया मिर्जा, सयामी खीर और अतुल कुलकर्णी आपको मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शनील डोर ने इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी का काम किया है, जबकि श्रावण कटिकानी ने इस फिल्म को एडिट किया था। इसके अलावा S. थामन ने इस फिल्म के म्यूज़िक को कंपोज किया था। वाइल्ड डॉग फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो मैटिनी इंटरटेनमेंट्स के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। ये फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुई थी, जिसका रनिंग टाइम तकरीबन 127 मिनट है और इस फिल्म को तेलुगु जबान में रिलीज़ किया गया था। वाइल्ड डॉग फिल्म 6 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई थी, जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। इस फिल्म की अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 2300 लोगों ने इस फिल्म के लिए वोट किया है। तो दोस्तों, ये था वाइल्ड डॉग मूवी का रिव्यू और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।